फाइनली हम माना गांव पहुंचने आए हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर है और अभी हमने जस्ट बोट देखा कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और इतना सही लग रहा है। और यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब मिलिट्री के कैंप्स भी है, एंड अभी यहाँ पे ही एग्जैक्ट, और अभी हम जाते हैं आगे और देखते हैं वो विलेज कैसा है। अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है, जाने ना हमको ये जमाना। गाइस अभी हम है माना गांव में, और ये गांव का स्पेशलिटी ये है, एक तो ये लास्ट गांव है ही, साथ ही साथ इसके हर एक वॉल में पेंटिंग बनी हुई है। एंड ये लोग ना हर एक चीज़ को प्रमोट करते हैं, मतलब सेव वाटर, सेव एनिमल्स, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड ये बहुत 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 ब्यूटीफुल गांव लग रहा है, एंड ये अपने इंडिया का सबसे लास्ट गांव है, सो इट फील्स सो गुड। सो या जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मई से लेकर के नवंबर 15 तक, मई से लेकर नवंबर 15 फिर ऐसे माइग्रेट हो जाते हैं नीचे। यहाँ पे इतनी बर्फ होती है? बर्फ तो जो है जब होता है दिसंबर जनवरी में पूरा भर के रहता है, कई बार नवंबर में ही आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा है कि जो है 15 तारीख को पट बंद हो जाएगा भगवान घंटा के लिए, यहीं पर जो है पहला मंदिर आएगा हमारे, ये तो है भगवान घंटा का मंदिर है। आपको अच्छा लगता है जब आपके गांव में सब आते हैं ऐसे देखने की दुनिया, मतलब ये भारत का अपना लास्ट गांव है ऐसा देखने? मैं भी लगभग 35 साल से मैं देहरादून में रहा। अच्छा, मैं वहीं पढ़ा जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जॉब भी वहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता अपना गाँव। अच्छा, अभी यहाँ जो है पूजा पाठ की तैयारी हो रही है, साफ सफाई करना भगवान की, ये जो गांव के कल्चर है मुझे अच्छा लगता है। ओके। और गांव की भाषा भी मैं जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने बचपन से मुझे जो है मेरे साथ अपनी भाषा में बात लगाई। माना गांव का मतलब क्या होता है? माना ये जो है असल में पुराने ग्रंथों में मणिभद्रपुरी है। अच्छा, उस समय भारत का पहला विश्वविद्यालय था, वेद व्यास जी जो है कि वेद व्यास ऊपर व्यास होता है। अच्छा, जो है वो महाभारत की रचना की गणेश जी के जो है साथ, तो जो है यहाँ पर जो है आप ऊपर देखेंगे ना। हाँ, क्या बोलते हैं ऊपर जो है। हाँ, ऊपरी हिस्से में जो है ऊपर जाएंगे। हाँ, यहाँ पर पूरा विश्वविद्यालय। अच्छा, बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह यहाँ पढ़ने आते थे। तो मणिभद्रपुरी नाम था जो कि महाभारत में भी लिखा हुआ है, तो मणिभद्रपुरी से जो है नाम बदलते हुए क्या वो छोटा हो गया। अच्छा, हाँ हाँ, तो यहाँ से जो है ये लास्ट में जो है पांडव लोग जो है स्वर्गवार होने की इसी रास्ते गए, रास्ते में आपको भीमपुर मिलेगा। हाँ, तो सरस्वती नदी बीच में आई तो भीम जी ने बड़ा सा शिला जो है रख करके उसको दे रखा, तो नाम जो है भीमपुर पड़ गया। अच्छा, तो आगे जो है वसुधारा से आगे सतोपन नाम का जगह है, जो है रास्ते में धीरे धीरे वो देह जाते हुए इधर से युधिष्ठिर जी का जो है तब भगवान इंद्र जी जो है उनका वो ले। और यहाँ की भाषा कौन सी है, ये आप जो बोलते हो कौन सी भाषा बोलते हो? रौंका भाषा है जो कि भूटिया भगवान जी। थैंक यू। गाइस ये गांव इतना खूबसूरत है, पर जैसा अपना गांव होता है सेम वैसा ही है, छोटी छोटी गली वैसे ही सब है। और अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है, मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये इंडिया का अपना लास्ट गांव है, और इसके बाद जो चाइना का बॉर्डर पड़ जाता है और फिर वो लोग का सब स्टार्ट होता है। तो या अब हम देखते हैं, एक्चुअली इधर ना इतना छोटा छोटा रास्ता है ना, तो जाने का थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो अब देखते हैं। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगा। सो गाइज मुझे अभी पता चला कि जिधर हम अभी खड़े लगे माना गांव में, उधर से चाइना का बॉर्डर 50 किलोमीटर है और नीचे से 65 किलोमीटर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। एंड अभी हम जा रहे हैं सबसे लास्ट दुकान में जो ये गांव की है,
एंड अब देखते हैं। एंड गाइज यहाँ के लोग 6 मंथ्स गांव में रहते हैं और 6 मंथ्स नीचे रहते हैं, मतलब नवंबर से लेके मार्च तक नीचे रहते हैं, बिकॉज यहाँ पे इतना सारा बर्फ़ रहता है, मतलब जिधर हम अभी चल रहे हैं उधर ही सिर्फ 2-2 फीट तो बर्फ़ रहता है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बर्फ़ रहेगा। तो सिर्फ मिलिट्री वाले यहाँ पे रहते हैं और बाकी कोई नहीं रह पाता यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन इश्यू है। एंड या अब देखते ऊपर थोड़ा सा जाते हैं, माना गाँव को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। और ये सच में बहुत ब्यूटीफुल गाँव, पीछे का व्यू सब बहुत मस्त है। एंड या अब देखते वाले कहते हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले छूते दिल के तार से, इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया। सो गाइस मेरे एग्जैक्ट पीछे हिंदुस्तान की सबसे लास्ट वाली दुकान है, OMG इट फील सो ग्रेट। एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब ऊपर मतलब यहाँ पे ही है। एंड दो है यहाँ पे, गणेश गुफा है ये उसकी लास्ट दुकान है और दूसरी दुकान वहाँ पे। सो ये मेरे एग्जैक्ट सामने यही वाली आखिरी दुकान है। एंड ये तो कैसा फील होता है, मतलब आपकी दुकान को लास्ट दुकान कहा जाता है हिंदुस्तान की, आपको कैसा फील होता है? अगर आप यहाँ का पानी देखोगे ना, ये इतना क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना, ये एक्चुअल में वो है। एंड इससे हमें ना थोड़ा सा सीख मिलता है कि वी शुड कीप अवर एनवायरनमेंट क्लीन। तो हमारा भी जो बम्बई साइड का पानी है थोड़ा सा वी नो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशेटेड है, तो वो भी ऐसे बोलते हैं ना क्लीन एंड नीट रहेगा। सो बस गाइस इतना ही बोलना था। तो गाइस गुड मॉर्निंग, आई नो ये माना गाँव का वीडियो है बट मेरे को बस ये बोलना है कि हम ओली हम लोग ने कैंसिल कर दिया, बिकॉज वहाँ पे ना ही बर्फ़ था और हमारा थोड़ा मतलब बोलते ना इश्यू हो गया था, लाइक बहुत सर्दी और ये सब हो गया था, तो इसलिए हमने ओली कैंसिल किया। तो ओली को कैंसिल करके हमने 2 चीज़ ली है, एक तो ऋषिकेश ली है और दूसरा हम। तो गाइस आखिरी दुकान से कुछ तो लेना बनता ही था, तो हमने ये ले लिया और अब हम जा रहे हैं नीचे। तो मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ हाउ इज द वीडियो। ओके गाइस बाय, टेक केयर, और हिंदुस्तान की दुकान के लिए चीयर्स, बाय गाइस।